9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने आज भगवान भोलेनाथ के दरबार में रुद्राभिषेक किया और अपनी आने वाली फिल्म राजा जानी के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उनके साथ आनंद मोहन, पवन पांडे, श्याम देहाती, संजय महानंद, सोनू पांडे, प्यारेलाल यादव जैसे लोगों ने भी भगवान शंकर की पूजा अर्चना की, तो वहीं सभी ने बोलबम के जयकारे लगाकर भोलेनाथ को याद किया। दरअसल इन दिनों खेसारी लाल यादव अपनी अपकमिंग फिल्म राजा जानी की शूटिंग के सिलसिले में देवघर खूब घूम रहे हैं, जिसका निर्देशक लाल बाबू पंडित है। इस बची हुई शूटिंग के शेड्यूल को पूरा कर लिया गया और खेसारी लाल ने समय निकालकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचे और एक एक कर सभी ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। खास तौर पर उन्होंने भगवान शिव के मुख्य मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि भोलेनाथ की नगरी में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरा नया जीवन फिर से शुरू हो गया। खेसारी लाल ने मंदिर के पंडों से भी बात की और उनका आशीर्वाद लिया। बाद में उन्होंने अपने फैंस के साथ भी कुछ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने भोले बाबा से आशीर्वाद ले लिया है, अब आप सबों से आग्रह है कि आप मेरी फिल्म राजा जानी को खूब प्यार देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि लाल बाबू पंडित इंडस्ट्री के काफी उम्दा डायरेक्टरों में से एक हैं, एक बार फिर से भोजपुरिया दर्शकों के लिए नया क्लेवर और फ्लेवर की खूबसूरत फिल्म लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट।